अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सिंस दिस इज नाइस एंड सेफ कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन। वहाँ पर टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, सो दैट यू कैन टेक इनफॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इन टू द KC 100 आवर्ली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियसली आवर्ली टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि हमारे पास जो लास्ट प्राइस एक्शन है जहाँ पे लोकल लो बना हुआ, दैट वाज ऑन 27th of July। उसके बाद जो हमारे पास उस टाइम प्राइस एक्शन यहाँ पे कहीं पे मौजूद था, जो मैंने आपको बताया था कि RSI जो है वो यहाँ पर 44 लेवल पे समवेयर मौजूद थी, जो हमारे पास प्रीवियस इसके साथ प्रीवियस जो लो था उसके साथ मुंसलिक हमारे पास जो RSI का पॉइंट था, दैट वाज समवेयर ऑन 40.7 और 40.8। तो मैंने आपको बताया था कि इनमें डिफरेंस कम रह चुका हुआ है, जबकि प्राइस एक्शन में डिफरेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। आई थिंक प्राइस एक्शन वो समवेयर अराउंड दीज लेवल्स जहाँ पे 40,150 या 60 पॉइंट्स पे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्राइस एक्शन नीचे आता है तो डू कीप एन आई ऑन द RSI। जब अगर RSI इससे नीचे आती है तो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट द डाइवर्जेंस और लोकल लो फॉर्म होते ही मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड कि जैसे ही मार्केट नीचे आई देयर वाज अ लोकल लो फॉर्मेशन एक इस कैंडल के साथ और दूसरी इस कैंडल को रिट्रेस करके साथ। इट्स अ क्लासिकल ट्वीज़र जो कि हमारे पास इसमें बना और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई और उसके बाद हमारे पास जो रेंज थी जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी वो फाइनली ब्रेक हो गई। रेंज जो थी दैट वाज समवेयर अराउंड 40,534 और मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेक होती है तो पहला मूव जो है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद 0.618 इसके साथ कहीं पर आ सकता है। लेकिन फिलहाल वी आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। लेट्स सी अगर ये ब्रेक होती है 0.618 इज गोइंग टू बी एक्चुअली द मेन पॉइंट, या आप कह लीजिए कि हमारे पास जो इस मूव के ऊपर दोबारा से बुलिश होने का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 0.618 इस मूव के ऊपर बुलिश होने का। बाकी तो खैर अभी रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा पड़ी है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, लेट्स सी। बाकी अलबत्ता काफ़ी देर से हम ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्रॉपर बाउंस मिले, सो वी डिड हैव अ प्रॉपर बाउंस। अब वो देखना ये है कि वो बाउंस जो है वो हायर टाइम फ्रेम्स पे रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड एविडेंसेस फॉर दैट एज वेल। सो नाउ लेट्स गो इनटू द डेली टाइम फ्रेम। डेली में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी बिटवीन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट और जो भी हम यहाँ पर लोकल लो फॉर्म करेंगे उसमें, अभी लोकल लो फॉर्मेशन बनी डाइवर्जेंस के साथ और हमें फाइनली जो है वो मूव ऊपर की तरफ मिल गया। तो प्रीवियसली जो हमारे पास MACD में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जितने भी क्रॉसेस थे उसमें हमारे पास जो डाइवर्जेंस थी एक तो वो नहीं थी, प्लस जो मेन चीज़ उसमें ऑसिलेटर जो है वो उसमें आप कह लीजिए कि दैट वेंट साइडवेज क्योंकि हमारे पास उसमें किसी किस्म का क्लियर किस्म का एक क्रॉस ओवर नहीं मिल पा रहा था। अब इस दफ़ा जो है हमारे पास डिफरेंस ये है कि इस दफ़ा हमें एक आप हिस्टोग्राम जो है MACD का अगर उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो हमारे पास जो MACD हिस्टोग्राम है दैट वाज एक्चुअली गिविंग अस अ सिग्नल वेव फास्टर और या आप कह लें कि बहुत पहले सिग्नल दे रही थी हिस्टोग्राम MACD पे कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस है डेली में वो जैसे ही कंफर्म होगी वी विल गेट अ मूव बैक टू द अपसाइड। अब जो मेन चीज़ है वो है 0.236 लेवल जो हमारे पास इस होल मूव की रिट्रेसमेंट का है। यू कैन सी कि अभी हम उसके नीचे ही डेली क्लोज की है और यहाँ पे हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस आ रही है अलॉन्ग विद दी आप कह लें कि जो 0.236 लेवल एट 41,298 उसके साथ 50 सिंपल मूविंग एवरेज और 55 एक्सपोनेंशियल दोनों अलाइंड है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन आपका कह लीजिए कि दिस कुड बी अनदर लोअर हाई इन द सीक्वेंस जो कि हमारे पास एक सीक्वेंस चलता आ रहा है लोअर हाईज और लोअर लोज का। सो इन ऑर्डर टू टर्न दिस अराउंड या आप कह लीजिए कि इसको वापस रिवर्सल के तौर पे हमें जो एटलीस्ट टर्न अराउंड के लिए जो चीज़ चाहिए ऑन द डेली टाइम फ्रेम दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्पाइक हाई रिवर्सल, उसमें हमारे पास एटलीस्ट हमें इसके ऊपर क्लोज चाहिए। दिस इज़ इन कॉन्फ्लुएंस विद द 0.382 ऑन द फिबोनाची लेवल, यू कैन सी एग्जैक्टली। और यहाँ पे 42,381 इज़ एक्चुअली द मेन पॉइंट जिसके ऊपर हमें डेली का क्लोज चाहिए होगा इन ऑर्डर टू रिवर्स द डेली टाइम फ्रेम। और डेली अगर रिवर्स होता है तो ऑफकोर्स उसका असर जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब अच्छी बात यह है कि वीकली टाइम फ्रेम पे फाइनली वी आर नाउ ट्रेडिंग बैक अबव 200 सिंपल मूविंग एवरेज। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितना टाइम इसके नीचे स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा रोल ओवर होने का खतरा बढ़ता चला जाएगा, सो वी नीड टू कम अबव इट एज सून एज पॉसिबल, जिसके हमारे आवर्ली में साइंस नज़र आ रहे थे कि अगर यहाँ पर वापस डाइवर्जेंस क्रिएट होती है तो फौरी तौर पर मूव आएगा, सो वी डिड गेट दैट। अब ये मूव सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, उसके लिए हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है उसका 21 एक्सपोनेंशियल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास लेवल बनता है समवेयर अराउंड
40,720 पॉइंट्स। तो 40,720 पॉइंट्स का जो लेवल है KC 100 पे, दैट शुड होल्ड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अगर ये होल्ड नहीं करता तो प्रॉब्लम्स दोबारा जनरेट हो जाएंगी और वीकली टाइम फ्रेम इज अगेन गोइंग टू गो बिलो 200 सिंपल मूविंग एवरेज। और इसी तरह हमारा जो आवरली टाइम फ्रेम है का ब्रेकआउट है वो भी वापस उसी तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें डेली में जो कॉन्फ्लुएंस है, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट वन एज वेल। अब इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे पास क्लोजिंग बेसिस पे 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम, जो कि तकरीबन 40,723 पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेकआउट सिनेरियो है उसमें वापस एक रीटेस्ट जो हो सकता है वो तकरीबन 40,527 या 530 पॉइंट्स के पास का एक रीटेस्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। सो अगर उसके वो रीटेस्ट जब हो, लेट सपोज़ के अगर वो आखिरी दिन के घंटों में रीटेस्ट हो रहा है और हमारे पास वो एक आप कह लीजिए कि एक जो रीटेस्ट है उसके अंदर आखिरी चंद घंटे चल रहे हो या आखिरी लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग डे, और उसके साथ ही लास्ट आवर में हमारे पास रीटेस्ट के साथ डेली क्लोज होनी हो, तो इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू गेट अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। 21 एक्सपोनेंशियल में विक नीचे ज़रूर आ सकती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बट क्लोजिंग बेसिस पे वी नीड अ क्लोज अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस सूरत में हम दोबारा जो है वो ऊपर की साइड को चैलेंज कर सकते हैं समवेयर अराउंड दी 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो भी अलाइंड है समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। वी डू हैव अ स्ट्रक्चर ओवर हेयर, और ये एक पूरा रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं से लेके तकरीबन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 41,500 पॉइंट्स का एक लेवल बनता है। सो वी डू हैव सीम टू हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हेयर, कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल 1, 2, 3, 4 और 5 दफ़ा ये जो एरिया है ये सपोर्ट के तौर पे होल्ड किया है। सो उसी तरह अगर हम देखें तो आप इसको एज ए अनबायस्ड होकर अगर देखें तो वी कैन हैव लाइक मल्टीपल मूव्स इनटू दिस एरिया, जिसमें हमारे पास ऊपर जाते हैं थोड़ा सा रिजेक्ट होकर वापस आएँ और उसके बाद दोबारा रिजेक्ट होकर वापस आएँ और इस तरह समवेयर अराउंड फाइनली वी कम अबव इट। स्ट्रेट वे शायद मुश्किल होगा क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से रिवर्सल की तरफ नहीं लेके जाता। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस गेन होते होते इट टेक्स टाइम, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होनी थी, तो सपोर्ट ब्रेक होने के लिए जो कॉन्फिडेंस शेक होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, एवरी टाइम वी वेंट डाउन वी वेंट अ लिटल लोअर और उसके बाद फाइनली इट गॉट ब्रोकन। इसी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि अगर हम यहाँ से रिजेक्शन भी हो जाती है और 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज भी हो जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी कि हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है वो इसके नीचे क्लोज ना करे, विच मीन्स के वी नीड ए हायर लो। अगर हायर हाई इन जो है वो नहीं आता या उसमें वो नहीं मिल पाता तो हमें एटलीस्ट हायर लो की जो है मार्केट को ट्राई करनी होगी इन ऑर्डर टू स्टे एटलीस्ट इन अ साइडवेज मैनर, या इसको दोबारा इस लेवल को चैलेंज करने के लिए वी वुड नीड दैट। सो 21 एक्सपोनेंशियल डेली टाइम फ्रेम में डू वॉच इट, आवरली टाइम फ्रेम में वी कैन कम बैक टू दीज लेवल्स जहाँ पे 40,530 पॉइंट्स के लगभग यहाँ पर आके एक दफ़ा रीटेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि यहाँ पे हमारे पास जो मूविंग एवरेजेस है वो कितनी जल्दी एक इंक्लाइंड पॉस्चर गेन कर सकती हैं। क्योंकि जितना मैं आपको बताता हूँ हमेशा से कि जितनी जल्दी मूविंग एवरेजेस जितना ज़्यादा इंक्लाइंड या डिक्लाइंड पॉस्चर के अंदर हों उतनी अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस साबित होती हैं। सो अगर ये फौरी तौर पर अपना इंक्लाइंड पॉस्चर गेन कर लेती हैं, प्राइस सेक्शन थोड़ा सा ऊपर साइडवेज की तरफ जाता है, तो इट कैन ऑल्सो बिकम अ बुल फ्लैग सिनेरियो अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो उसके लिए भी एक अच्छा सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है जिसमें हमें एक फर्दर ब्रेक मिल सकता है टू द अपसाइड, एंड इन दैट केस वी कैन री चैलेंज द 42,457 लेवल, जो कि हमारे पास प्रीवियस स्पाइक हाई भी है मौजूद यहाँ पे, और वो डेली में वही लेवल है जो कि यहाँ पे 42,381 का लेवल है अलॉन्ग विद द 100 EMA एंड 100 सिंपल मूविंग एवरेज। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम अगर हमारे पास क्लोज हो जाता है इसी जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम की जो पॉजिटिविटी है उसको देखते हुए, तो वीकली में हमारे पास बाय फ्राइडे इफ़ वी गेट अ क्लोज अबव 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज़ 42,439, ये भी वही लेवल है। आप देख रहे हैं सारे लेवल्स कितना एक ही कॉन्फ्लुएंस पे खड़े हैं कि डेली टाइम फ्रेम में भी वही लेवल है, और अगर आवरली यहाँ पे बुल फ्लैग बना के ऊपर जाता है और ये भी वही लेवल है, और इसके साथ वीकली पे भी 21 एक्सपोनेंशियल का वही लेवल है। सो वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, लेकिन ये सारा डिपेंडेंट होगा डेली के 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज रहने पर, और इसी तरह डेली क्लोज रहे तो उससे पहले हमारे पास जो आवरली में साइंस है दैट इज़ गोइंग टू बी कि अगर हमारे पास लेट सपोज अभी से कि हमारे पास आवर डेली नहीं क्लोज करती है ऊपर, तो उसके हमारे पास फर्स्ट टेलटेल साइंस मिल जाएंगे कि हमारे पास जो आवरली टाइम फ्रेम है वो एक दफ़ा फिर से मार्केट इस लाइन के नीचे अगर क्लोज कर जाती है, इन दैट केस आप इसको दोबारा से इसको एक फेल्ड अटैम्प्ट समझ सकते हैं। ऑल दो इट डज़ नॉट लुक लाइक अ फेल्ड अटैम्प्ट क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा वॉल्यूम स्पाइक में यहाँ पे,
तो फेल अटेम्प्ट लग तो नहीं रही है, बट एनी थिंग कैन हैपन, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट एनी थिंग. तो उसमें इसको जो है वो आप इस लाइन को जो है यू कैन से कि दिस शुड बी डिफेंडेड बाय द बुल्स. और अगर बेयर्स जो हैं वो इसके नीचे ब्रेक देखेंगे, अगर वो ब्रेक होता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ फेल्ड स्विंग, फेलियर जो है हमारे पास पैटर्न वो दोबारा प्लेस इन हो जाएगा और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जा सकती है. सो दीज आर बोथ केसेस फॉर द बुल्स एंड फॉर द बेयर्स. जो इस टाइम प्रॉबेबिलिटीज़ है वो ज़्यादातर फेवर जो है शॉर्ट टर्म में, एटलीस्ट फॉर अ स्मॉल मूव टू द अपसाइड एटलीस्ट दे आर फेवरिंग द बुल साइड. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास वो ये जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में हमने एक ब्रेकआउट किया है इसको लार्जर टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे इन फ्यूचर या नहीं. सो उसके लिए डेली का 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.